हेलो गाइस गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उसके अंदर जो छोटी छोटी एलईडीज लगी होती हैं। गाइस यहां पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी एलईडीज लगी होती हैं, ये आखिर कितने वोल्ट की होती हैं और अगर आप इनको डायरेक्ट चलाएं तो आखिर ये कितने वोल्ट पे ये वर्क कर सकते हैं और ये जो हमारी फूकने से बच सकती है। तो गाइस इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि आखिर हमारी जो एलईडी है ये कितने वोल्ट से कितने वोल्ट तक की जा सकती है। गाइस अगर आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता इसमें कितने वोल्ट तक जा सकती है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे 1 से 2 वोल्ट या 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे ये एलईडीज होंगी, पर गाइस आप है इसमें अभी पूरा प्रोसेस बता दूंगा आपको कि किस तरह से आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं विदाउट किसी मल्टीमीटर के, ठीक है। मैं मल्टीमीटर कोई भी मीटर में इसमें जो है यूज नहीं करने वाला हूं, कुछ लोग जो है इसमें मीटर का यूज करते हैं वो जो है थोड़ा महंगे आते हैं, तो हम जो है उसमें सिंपल इसमें जो है हम देखने वाले हैं कि हमारी जो एलईडी है सिंपल दिखाता हूं मैं, चलिए सिंपल ये जो एलईडी है ये आखिर कितने वोल्ट पे चल सकती है और ये जो है ये इसमें अलग अलग जो लगी हुई है। गाइस ऐसा नहीं है कि ये जो है सारी सेम होती है, अलग अलग होती है, अभी मैं आपको पहचान बता दूंगा इनकी कि आप इनको किस तरह से पहचान सकते हैं इजिली। तो गाइस चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं जो है आपको यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ एलईडी बल्ब भी रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ इनकी जो एलईडी प्लेट है वो भी यहाँ पे रखी हुई है। इनको एसएमडी एलईडी बोला जाता है क्योंकि ये जो है एसएमडी मशीन से जो है ये मेल्ट यहाँ पे की जाती है और इनको जो है इजिली चिपकाया जाता है। इनको हम शोल्डर की मदद से, शोल्डर जो आयरन होता है हमारा उसकी मदद से हम इनको नहीं लगा सकते इजिली, उसमें जो बहुत ही बारीकी से काम होता है, तो हम जो है इसलिए ही हम इसको एसएमडी एलईडी बोला जाता है। चलिए सबसे पहले हम जो है चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से आप इसको इजिली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए मैं जो है इसको एक बार जूम करता हूं, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इसमें जो है मैं एलईडी बल्ब जो है अपना लेके आ गया हूं और आपको यहाँ पे इजिली यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, अब मैं इसमें दिखाने वाला हूं जिस तरह से आप, चलिए मान लीजिए इस वाले बल्ब को मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूं कि आखिर ये कितने वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है गाइज आपको पता ही होगा कि जो एलईडी है वो सेमीकंडक्टर से बनी होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो यार एक बार बेसिक थ्योरी जो है थोड़ी सी पढ़ लेना गूगल से जाके, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो और भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर से बनी होती है, तो यहाँ पे जो है जितने इसमें सेमीकंडक्टर एक एलईडी में जितने सेमीकंडक्टर होंगे उतने ही वोल्ट की एलईडी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है 1, 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं और दिखाता हूँ आपको, ढंग से दिखाता हूँ, ये जो है छोटे छोटे जो सफेद सफेद डॉट से हुए 1, 2, 3, ये आपको हर एलईडी में इस तरह से मिल जाएंगे, तो आप जो है इन्हीं से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोल्ट की आपकी ये एलईडी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं 1, 2, 3, इसमें भी 1, 2, 3, किसी किसी में 4 भी होते हैं, किसी किसी में 2 भी होते हैं और किसी किसी में ये 1 भी होता है, वो मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमें जो है बोल्ट का तो अभी पता ही नहीं चला पर पता चल चुका है इजीली, ठीक है। यहाँ पे आप 3 है तो ये जो है 1, 2, 3, यानी ये जो है 1 3 का होता है, 3 एकम 3, 3 2 6 और 3 3 9, यानी हमारी जो एक ये एलईडी है छोटी सी जो एसएमडी एलईडी है ये हमारी 9 वोल्ट की एलईडी है। अगर आप इसको 9 वोल्ट की बैटरी से चलाते हैं तो ये इजिली वर्क कर देगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो 9 वोल्ट की बैटरी है वो यहाँ पे रखी हुई है, इससे आप अगर इसको डायरेक्ट चलाते तो ये ना तो फूकेगी और ना ही ये गर्म होगी और आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक बार यूज करके जरूर देखिएगा, अगर आपके पास कोई बेकार है या फिर आप नहीं भी ला सकते हैं, इतनी ज्यादा नहीं आती है, 5 से 10 रुपए की आती है पूरी प्लेट, ठीक है, आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप जो है इनकी जो वोल्टेज है उसको आप इजिली यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं जो है आपको दूसरे उसमें दिखाता हूं, आपको मैंने ये जो है बिल्कुल इजिली ढंग से दिखाई है और बहुत ही पास ले जाके कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, हर किसी में ये 3 है। अब चलिए मैं आपको 2 वाले दिखाता हूं और 1 वाला दिखाता हूं, ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें है या फिर नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसमें, तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 और ये 2, ठीक है। अब इसमें तो बहुत, इसमें पहले ये जो है इसमें ब्लैक ब्लैक हो रहे थे, इसके पॉइंट जो है इसमें ब्लैक हो रहे थे, पर इसमें जो है ब्लैक नहीं हो रहे, ये जो है बिल्कुल रिफ्रेश है, यानी फ्रेश है बिल्कुल ये। और आपको थोड़ा सा देखने में यहां पर आप देख सकते हैं 1 तो ये है, ठीक है, इस पर चलिए थोड़ा सा मार्क कर देता हूं मैं, और दूसरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और ये 2। आप अगर गाइज मैं जो है इसको बिल्कुल साफ देख पा रहा हूं, अगर आपके पास भी प्लेट है तो आप एक बार लेके बैठिएगा इस प्लेट को और देखिएगा, ध्यान से देखना, इसमें आपको जो है इसमें सेमीकंडक्टर्स बने हुए दिखाई देंगे और जितने इसमें बने हुए हैं इसमें 2 हैं, तो मतलब कि ये 3 दूनी 6, मतलब कि ये 6 वोल्ट की एक एलईडी जो है इसमें लगाई हुई है, ठीक है। तो आप जो है इसको अंदाजे से मत नापिएगा और आप अगर इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयर ये इतनी जल्दी से नहीं हो पाती है, इसमें जो है फूकती रहती है, इसमें जो एलईडीज हैं ये डैमेज होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी प्लेट है वो यहाँ से बेकार हो जाती है। गाइस जब मैंने रिपेयर करी थी प्लेट तो इसमें से एक जो एसएमडी एलईडी है वो बेकार हो गई थी, तो मैंने क्या किया इसको जो है शॉर्ट कर दिया था, तो कुछ दिनों बाद ये जो है चलती रही और उसके बाद जो है इसमें से 2 फूक गई, और जैसे ही मैंने इनको शॉर्ट किया तो ये वाली 2 फूक गई, और अगर मैंने इनको शॉर्ट किया तो ये वाली भी फूक गई, और इस तरह से ये पूरी प्लेट जो है मेरी डैमेज हो चुकी है, इसलिए मैं जो है इसमें नई प्लेट लेके आया हूँ। तो ये जो है आप यहाँ पे देखते हैं नई प्लेट है और इसमें भी ये जो है एक यहाँ से डैमेज हो चुकी है। गाइस इसमें भी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, तो आप जो है इसमें भी इजीली देख सकते हैं 1, 2,
ठीक है। और अगर आप दूसरी वाली में देखना चाहते हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा हार्ड है देखने के लिए, क्योंकि ये जो है भूरी अभी नहीं है, तो इसमें आप जो है इजीली देख तो पाएंगे, पर गाइस इसमें जो है कैमरे में थोड़ा सा कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए सॉरी यार, मैंने जो है वैसे आपको दिखा दिया है। इसी तरह से इनके जो वोल्ट है आप इनको इजिली चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप पे एक दो, इसमें भी गाइस दो है, मतलब कि हमारी दो तीन दूनी छह, मतलब कि ये भी एक जो है 6 वोल्ट की एलईडी है। और अगर आप इसको यूज करते हैं डायरेक्टली, आप जो है इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, 5 वोल्ट का जो चार्जर आता है जो कि सभी फोन को चार्ज करता है, तो उसको जो है आप इसमें लगाएंगे तो इजीली ये जो है यहां से ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। और ये वाली भी ऐसी होती है गाइस, एक एक तीन तीन वोल्ट की भी होती है एलईडी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक बार अपने में भी देखना, अगर आपके पास ये एलईडी है तो आप अपने में भी देखना कि एक सेमीकंडक्टर बना हुआ है या फिर दो बने हुए हैं, जिस तरह से इसमें यहाँ पे इजिली बने हुए हैं। इस बल्ब में जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखाया जा रहा है, ना कि इनमें ढंग से नहीं दिखाया जा रहा है। और इस वाले में भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है इसमें एक ही लगा हुआ है गाइज, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक ही लगा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही बना हुआ है इसमें दो नहीं है, तो मतलब कि ये एक जो है ये 3 वोल्ट की एलईडी है। तो गाइस इस तरह से आप जो है इन एलईडीज का पता लगा सकते हैं कि आखिर ये कितने वोल्ट की है। और अगर आप इनको डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप इनको इजिली चला सकते हैं। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अगर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कुछ नॉलेज मिली इस वीडियो से। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है विजिट करने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे बहुत ज्यादा कंटेंट इस पे अवेलेबल।